ये देखिए, मैं नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में सिंपल से आलू टमाटर की सब्जी शेयर कर रही हूँ। और आलू टमाटर की सब्जी तो बहुत सिंपल है, सभी घरों में बनती है। तो मेरा चूँकि चैनल है तो मैंने सोचा इससे भी मैं शेयर करूँ, मैं जो अपने तरीके से बनाती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ वो आप देखिए। तो उसमें तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाला, हींग जरूर डालें, बिना हींग के नहीं अच्छी होती। और ये अदरक और कद्दूकस किया हुआ और एक हरी मिर्च है डेढ़ करीब। अब मिर्ची आप ज़्यादा कम कर सकते हैं और भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसमें बहुत तेल का प्रयोग नहीं होता, बहुत थोड़े तेल में बहुत ही अच्छी। तीन चार आलू मैंने ऐसे क्रश कर लिए हैं, थोड़े से काट लिए मोटे मोटे। और ये तीन टमाटर है, इसको भी क्रश कर लिया। अब ये थोड़ा सा जब मिर्च और ये अदरक थोड़ा सा भुन गया तब इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर डाल के इसमें हल्दी और नमक, हल्दी नमक डालेंगे। ये नमक डाला और हल्दी डाला, बस उसको थोड़ा गलने देंगे। ये टमाटर गल जाएगा तब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। ये देखिए, अब टमाटर मेरे थोड़े गल रहे हैं, स्लो कर देंगे। और इसमें हींग और जीरा जब तड़के में डालें तो हींग अच्छे से डालें, क्योंकि असली इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। हींग जीरे से बहुत ही बढ़िया। और इसको पूड़ी के साथ सर्व कीजिए, इसका कॉम्बिनेशन पूड़ी के साथ है। ये आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी के साथ, और ऊपर से हरा धनिया डाल के सर्व कीजिए, और उसके साथ गर्मा गर्म पूड़ी, लाजवाब ये आलू टमाटर की सब्जी लगती है। तो अब ये थोड़ा सा टमाटर भुन गया तो ज़रा सा आधा कप पानी डाल देंगे, जिससे वो अच्छी तरह से मैशी हो जाए। टमाटर मैशी हो जाएंगे तो अपने अंदाज से पानी डालेंगे, उसी में आलू, उसी में ये देखिए थोड़ा सा टमाटर मैशी हो गया। अब इसी स्टेज पे आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसको भून लीजिए, और इसमें आलू ये पक जाएगा। और फिर इसमें धनिया पिसा और भुना जीरा और गरम मसाला एक एक छोटे चम्मच तीनों चीज़ डाल देंगे, और डाल के और नमक स्वाद के अनुसार, और बस ढक देंगे। और बस गीली गीली जूसी सब्जी बनेगी। तो इसमें अंदाज से पानी डालें, जितना आपको पतला रखना हो, गाढ़ा रखना हो, कम रखना हो, वो आपके ऊपर, मिर्ची अपने अनुसार डालिए। ये देखिए मैंने एक चम्मच जीरा डाल दिया और एक चम्मच हरा ये पिसा धनिया, और अब इसी में थोड़ा गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच बस, और कुछ नहीं। उसको पकने देंगे, थोड़ा सा इसका जूस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस उसको सर्व कर देंगे। और गर्मा गर्म पूरी के साथ लाजवाब आलू टमाटर की सब्जी बनती है, और ऊपर से हरा धनिया डालना ना भूलें। बहुत ही बढ़िया अच्छी सब्जी बन के तैयार। कितनी बढ़िया टमाटर आलू की, आलू टमाटर की रसेदार सब्जी, बढ़िया चटपटी सी तैयार हो गई, बिना प्याज लहसुन के ये बनती है, और ये पूड़ी के साथ खाई जाती है। अगर आपके यहाँ एकदम से मेहमान आ रहे हैं और फटाफट आपको कुछ बनाना है तो आप ये बना सकती हैं। आलू अगर आपके पास है, 5 मिनट में ये सब्जी बन जाती है, उसके साथ आप पूड़ी तल के लोगों को खिला सकती हैं, अपने मेहमान को सर्व कर सकती हैं। बहुत ही लाजवाब बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे, ऐसे हरा धनिया डाल देंगे, ढेर सारा हरा धनिया डालिए, बहुत ही बढ़िया लगती है ये सब्जी। ये देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। आप भी ऐसे खाएं, खिलाएं, और पूड़ी के साथ सर्व कीजिए। आपको कैसी लगी इसको कमेंट करना ना भूलें। 5 मिनट में ये सब्जी बनती है, झटपट ये आलू टमाटर की सब्जी है। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये देखिए मेरी सब्जी तैयार है, बहुत ही सिंपल, हींग जीरे और अदरक हरी मिर्च का तड़का, और बहुत ही बढ़िया बिना प्याज लहसुन के और हरी धनिया के साथ सर्व किया है मैंने। और इसके साथ आप गर्मा गर्म पूड़ी सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है 5 मिनट में। तो ये क्विक रेसिपी है, आपको कैसी लगी आप कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल अगर नहीं किया है। नमस्कार।